एकदम एकदम। ठीक है। और बाकी तो फिर बिरयानी का रेसिपी भी शेयर कर देना, कैसे हाँ बनाती वही हो। वही, एक दो जन मांगा भी है, कुछ यहीं पे हाँ अच्छा से कर देंगे, मेरे यहाँ जगह लेकिन थोड़ा पर कम है। तुम्हारे घर जब पहले हम आते थे, बहुत पहले, जब मैं इसके घर फ्रिक्वेंट जाना जाया करता था हमेशा। उस समय छोटे भी थे थोड़ा, मैं मतलब उस समय मैं थोड़ा छोटा था तो चले जाता था हमेशा। तो ये बनाती थी एक पुलाव पनीर, मेरा वो फेवरेट हुआ करता था। आलू डाल के आलू डाल के पनीर पनीर बनता था वो, तो वो बहुत अच्छा लगता था मेरे को। पनीर कम आलू ज्यादा, लेकिन वो भी इसको बहुत पसंद आता एक्चुअली था, वो एक्चुअली घर पे भी बहुत कम बनता था ना मेरा, बनता था इसीलिए। फिर इसीलिए। अब तो हाँ मम्मी बनाने लगी है। मम्मी का भी आप में से काफी लोग पूछते हो पुलाव पनीर का। फैमिली गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, अभी जस्ट आई हूँ नहा के। और सच बता रही, बाहर जो हवा चल रहा है ना, तो मुझे ठंड लग रहा था, पता नहीं क्यों, 2 दिन से ठंड लग रहा है, क्योंकि बारिश हो रहा है तो ठंड भी लग रहा है और फिर धूप भी हो जा रहा है, तो अभी मौसम का कुछ भी नहीं बोल सकते, बट अच्छा लग रहा है। यही है, पानी हो रहा है बट उतना भी नहीं हो रहा है कि जितना पानी वानी लग जाए, बट अच्छा लग रहा है। बट अभी बहुत बाहर मेरे को बहुत हवा लग रहा था, तो मैं सोची जाके रूम में ही वीडियो का स्टार्ट करती हूँ, तो सो मैंने कर दिया है। फिलहाल अभी जाती हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद जो भी खाना वाना बनाना है जल्दी से बना के, थोड़ा मम्मी घर जाना है क्योंकि भाई से भी मिलना है, और भाई फिर निकल जाएगा और उसका बर्थडे भी आ रहा है, क्या क्या तैयारी करना है क्या नहीं करना है वो भी सब थोड़ा बात करूँगी। तो चलिए अभी जाती हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगी, आर्यन स्कूल जाएगा मेरे संग ही ब्रेकफास्ट करेगा, और मैं आज जल्दी नहा ली हूँ तो अभी आर्यन को जाने में टाइम है, तो एक संग ही ब्रेकफास्ट करेंगे। बोला मम्मी जल्दी आई है, मैं बोली आती हूँ, कपड़ा वगैरह डालूँ फट से फिर जाती हूँ। तो चलिए बस वीडियो में बने रहिए, तब तक ये रूम थोड़ा मैं साफ़ कर लूँ, देख सकते हैं, उसके बाद नीचे जाके ब्रेकफास्ट करूँगी, तो बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए। तो यहाँ चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बहुत दिनों बाद हम आर्यन एक साथ कर रहे हैं, नहीं तो आर्यन खा लेता उसके बाद ही मैं खाती हूँ, क्योंकि स्कूल चला जाता है आज, मुझे भी जल्दी हो गया तो हम दोनों संग में ही खा रहे हैं। तो चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद खाना थोड़ा बाकी है जो मैं कर लूँगी, उसके बाद मम्मी घर जाऊँगी मैं। तो चलिए अभी गरम गरम है तो फटाफट खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, उसके बाद थोड़ा मोड़ा मेरा काम था जो मैंने कंप्लीट किया है, उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो मेरे पास टाइम है, रील्स बनाना है मुझे, तो पहले जाती हूँ बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बस साड़ी चेंज करके मम्मी घर निकल जाऊंगी। मेरा जो भी काम था मैंने फटाफट कर लिया है, अब बस जाना है मम्मी के घर, तो फिलहाल चले जाती हूँ, रील्स वगैरह बनाती हूँ और निकल के इस वीडियो करूंगी, या फिर जैसे जो होगा मैं करूंगी, बस आप लोग ऐसे ही बने रहो, तब तक जाती हूँ रील्स बना लेती हूँ। ये साड़ी पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले ही मैंने इस पे रील्स बनाया, तो सोचा इसी पे बना लूँ, तो बस सामने दिखा पहन लिया मैंने। तो चलिए आप लोग बने रहिए, मम्मी घर पहुँच के मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, अगर कुछ है दिखाने को तो दिखाऊंगी, नहीं तो आप लोग को बोर नहीं करूंगी, बस आप लोग। फाइनली निकल चुके हैं, चले जाते हैं, और वेदर से तो लग रहा है बारिश होगा, मौसम लेकिन काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है, तो चलिए बक बक नहीं करते हैं, जाते हैं। तुझसे पानी में आ चुकी हूँ, और अभी भाई एडिट कर रहा है, और भाई के पास ही मम्मी बैठी हुई है, मैं भी बैठी थी, मम्मी बोली जाके मेरे गणेश जी को देखो कितना अच्छे से सजाया है, काफी खूबसूरत लग रहे हैं, मैं आपको भी दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत, देख लीजिए मम्मी के गणेश जी को कितने प्यारे लग रहे हैं यार, वाह। और ये फूल फूल गए हैं, मम्मी के सभी भगवान को देखिए, भगवान तो भगवान ही होते हैं, बस उनको अच्छे से पहनाइए और सजा के रखिए ना, बहुत प्यारे लगते हैं। टॉफी चढ़ाया मम्मी ने यहाँ पे, क्योंकि कृष्ण भगवान भी बच्चे ही हैं, गणेश भगवान भी बच्चे ही हैं, तो देख सकते हैं काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए फिलहाल मम्मी भाई से बातें करते हैं, उसके बाद जो भी होगा अगर दिखाने को तो दिखाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ देखिए मम्मी सिंपल सा चनाचूर मूढ़ी और प्याज और सरसों तेल दे दी है, और काला नमक, मैं इसको मैस रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है यार। वैसे मेरा पेट भरा हुआ था क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो इसलिए मन नहीं था। भाई बोला कुछ मंगाते हैं, मैं बोली नहीं भाई बिल्कुल भी मन नहीं है, तो ये मूढ़ी बनाए और मम्मी कॉफ़ी बना रही है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था यार। एक तो बाहर मतलब बारिश हो रहा था हल्का हल्का, ऊपर से ये, वाह। सच बताऊं तो हम लोग का पुराने घर का याद आ गया, मतलब हमारे जब पुराने घर पे थे हम लोग,
तो ज़्यादातर हम लोग मूढ़ी ही खा के रहते थे ना, तो वो दिन याद आ गया। और क्या ही बोलूँ, चलिए कभी बहुत अच्छा भी लगता है सोच के, कभी बहुत बुरा भी लगता है, बट जो है समय है, बीत गया, कोई बात नहीं है, बस अच्छे दिन हैं आए और बस उसे याद करेंगे। तो चलिए खाते हैं पहले। ये भाई का जस्ट अभी वीडियो एडिट हुआ है, तो चलिए उसे बात कराते हैं। यहाँ पे फ्लैग है जो कि भाई को रोशन जी दिए थे, तो भाई बोला लेके चली जाना, वो भी शायद कहीं से लाए थे तो उनको देना पड़ेगा, इसलिए मैं ले लूँगी। भाई फाइनली भाई आता है तो पूछते हैं बर्थडे में क्या है, क्या करोगे क्या नहीं। देखे बर्थडे में प्लान तो है देखो रहने का, अब प्लान ही है क्योंकि अब देखो हो सके तो कल मेरे को निकलना होगा केरला, बस 2-3 दिन के लिए, फिर घर ही आ जाएंगे। हाँ बर्थडे में इस बार चांसेस तो है रहेंगे। चांसेस तो घर में ही करना, हमेशा रेस्टोरेंट में तो बाहर ले जाता है। हाँ हाँ इस बार घर पे अच्छा से किया जाएगा, सबको बुलाएगा। मेरा भी तो बहुत मन है घर पे ही रहने का। हाँ, बिरयानी रहने हम बनाएंगे, क्या लवली बोल रहे थे तो उसको बिरयानी खाना है। अब लवली का छोड़ो, मेरे को ही तो मन कर रहा है बिरयानी हाँ, खाने का, तो बहुत घर दिन पे हो ही गया। अच्छा से किया जाएगा, एकदम एकदम ठीक है। और बाकी तो फिर बिरयानी का रेसिपी भी शेयर कर देना कैसे हाँ बनाती वही है। वही, एक दो जन मांगा भी है तो यहीं हाँ पे अच्छा से कर देंगे, मेरे यहाँ जगह लेकिन थोड़ा पर कम है। तुम्हारे घर जब पहले हम आते थे, बहुत पहले जब मैं इसके घर फ्रिक्वेंट जाया करता था हमेशा, उस समय छोटे भी थे थोड़ा, मैं मतलब उस समय मैं थोड़ा छोटा था तो चले जाता था हमेशा, तो ये बनाती थी एक पुलाव पनीर, मेरा वो फेवरेट हुआ करता था। आलू डाल के आलू डाल के पनीर बनता था वो, तो वो बहुत अच्छा लगता था मेरे को। पनीर कम आलू ज्यादा, लेकिन वो भी इसको बहुत पसंद आता एक्चुअली था, एक्चुअली घर पे भी बहुत कम बनता था ना मेरा, बनता था इसीलिए इसीलिए। फिर अब तो हाँ मम्मी बनाने लगी है। मम्मी का भी आप में से काफी लोग पूछते हो पुलाव पनीर का रेसिपी मम्मी शेयर अच्छा करने के लिए, बनाती तो है वो भी कभी कर देंगे, कोई दिक्कत भाई। नहीं है। भाई मम्मी एक चैनल ही खोल दो ना कुकिंग का, चैनल नहीं मम्मी दिक्कत का, होगा ना एडिटिंग अब लवली वेडिटिंग। आएगी, लवली संभाल पाएगी, हाँ भाई एकदम लवली और चलो ये भाई। मम्मी मिलके। तो आप लोग कमेंट करके बताओ मम्मी का भी चैनल देखना चाहते हो कि नहीं। वही नहीं, मम्मी खाना तो बनाती मम्मी है अच्छा खाना बहुत बढ़िया बनाती है, मतलब क्या बोलो तो वैसा फैंसी खाना नहीं नहीं लेकिन हाँ सिंपल ही खाना इतना मस्त बढ़िया बनाती है ना, मतलब मज़ा आ जाता है। मजा आ जाता है वही इसलिए खाना मेरे को जब भी हम लोग घर पे रहते हैं ना, देखो मजबूरी है मेरा शूट रहता है इसलिए मेरे को बाहर का खाना ही दिखाना पड़ता पड़ता है, है। नहीं तो घर पे इतना बढ़िया खाना बनता है वो तो भाई मम्मी अलग ही का बात दाल है। चावल चोखा भी मस्त और सुबह सुबह मम्मी एक बनाती थी पहले, हम लोग तो पता नहीं उसको मीठा रोटी बोला जाता है, चोथा छाछी 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 बोलते बोलते हैं हैं हम हाँ लोग, मीठा रोटी ऐसा कुछ बोलते हैं। वही हाँ मम्मी उसको आराम के अचार के साथ देती थी, वो मेरे को टिफिन के लिए भी देती थी, हमको अभी भी याद है। वो तो इतना बढ़िया लगता था, मेरा फेवरेट था एक टाइम में। फिर वो हुआ, चिल्ला हुआ और भी पता नहीं क्या क्या। तो कमेंट करके बताना अगर आप देखना चाहते हो मम्मी का, तो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बस अब निकलेंगे थोड़ा देर में। तो चलो निकलने आ रहे। एक्चुअली आपको पता है मैं जो गया था ना श्रीलंका, तो मैं दीप से फ्लैग लिया था हाँ क्योंकि वही इसके घर में था, आपको हाँ याद होगा रोशन जी आए थे देने के लिए, हाँ वही तो हम बोले तो ये देखो मैं फ्लैग लेकर आ गया हूँ, तो वही ले इसको लेना भी था क्योंकि उन हाँ लोग को कहीं तो लगेगा, तो हाँ यही सब है अभी फिलहाल। चलो ये वीडियो को अब दी कंटिन्यू। तो देखिए निकल ही रही थी तो भाई बोला पुचका ला दिए खा लो, नीचे में ही आया हुआ था तो भाई कुछ काम से नीचे गया था, मतलब भाई का कुछ आया था तो पुचका लेके आया, तो चलिए फटाफट खा लेती हूँ। पुचका बहुत ही यम्मी था यार, मतलब ये जो पापड़ी था ना पूरा कर कर, उफ मज़ा आ गया खा के। नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, कितना कुछ खा लिए, रात में खाना नहीं खाएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि पेट सच बता रही हूँ ना फुल हो चुका था उस टाइम, लेकिन टेस्टी बहुत ही ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना जो चोखा में जो चना देते हैं ना काला वाला, वो काफ़ी टेस्टी लगता है, और जो पानी होता है अगर वो पुदीना का हो तो क्या ही कहने, मस्त है यार मस्त। निकल चुकी हूँ और देख सकते हैं बारिश हुआ है, बंद हुआ वैसे मैं फटाक से निकली हूँ क्योंकि आर्यन भी स्कूल से आ गया, फ़ोन किया था, तो चलिए चलते हैं घर। हल्का बारिश हो ही रहा है, भीगेंगे नहीं बट हल्का है, ज़्यादा मतलब जोर भी नहीं है, चलिए फटाक से चलते हैं। पहले मैं आ गई थी और आते ही ये लड़का इतना बदमाश है, कम 14 साल के हो गए हो, 15 का हो गया हूँ, बोल बर्थडे आवाज 16 16 साल का हो गया बट मेरे यहाँ से खाना खाएगा, इतना बड़ा ये लड़का हो गया, खुद का काम अभी भी खुद से नहीं करता है। एक टाइम खाली खाते हैं जब स्कूल से आते हैं, बाकी नहीं खाता ना कभी, बहुत बदमाशी करता है बहुत ज्यादा, जितना शरीफ दिखता है शरीफ मत समझिएगा, मेरे को बहुत तंग करता है ये साइड से देख रहा तो चलिए फिलहाल जाते हैं और अभी खाना बनाएंगे क्योंकि दिन का मेरा कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो मुझे सभी कुछ बनाना पड़ेगा, वही रोटी और नेनुआ है और उसका आलू दे के बना देंगे क्योंकि सुबह नेनुआ चने का बनाए थे, तो
देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। इससे पूछेंगे तो इसका डिमांड बहुत होगा, जो कि मैं अभी करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि सच बता रही हूँ थक गई हूँ। तो जो भी है सिंपल में जाती हूँ बनाने के लिए। तो चलिए, आई होप आप लोग आज भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। भाई को भी टाइम नहीं मिलता है ना, वो भी बहुत कोशिश करता है कि टाइम दे, लेकिन कोई नहीं, उसका भी काम है, वो भी ज़रूरी है करना। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, और एक मैं बात बोलना चाहूँगी, आपको किस तरह का वीडियो देखना है या फिर आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगी उस तरह का भी वीडियो बनाने के लिए। वैसे तो मेरे लाइफ में जो चलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आपका भी जो कुछ इच्छा है तो आप लोग बताइएगा, मैं वो भी करने का पूरा कोशिश करूँगी। तो चलिए, आप कर देते हैं एंड। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।